था, उसको भी काफी अच्छा लगा। अभी थोड़ा फ्रेश हो गए हैं हम लोग और अभी जाएंगे एमजी रोड। इंडिया में ना ऑलमोस्ट हर हिल स्टेशन में एक मॉल रोड होते हैं, लेकिन गैंगटॉक हैज एमजी मार्क व्हिच इज द मोस्ट सीनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू ऑल हिल स्टेशन इन इंडिया। सो गाइस, मैं हूँ एमजी मार्ग में। एमजी मार्ग को महात्मा गांधी मार्ग भी बोलते हैं और ये है गैंगटॉक। देखिए एक्चुअली गाइस, मैं मास्क पहन के बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक है, मास्क पहनना पड़ता है, ये कंपलसरी है। और ये देखिए सुपर डुपर एमजी मार्ग। गैंगटॉक एमजी रोड में और यहाँ पे कंपलसरी मास्क कंपलसरी है, लेकिन मैंने नहीं पहना क्योंकि अच्छी तरह से आवाज़ नहीं निकल रहे थे और यहाँ पे ठंड बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक पतला सा एक जैकेट लेके आएंगे तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप यमथांग वैली और नाथुला पास अगर जाएंगे तो वहाँ पे जैकेट का ज़रूर होगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ठंड होगा। और आज हम लोग डिसाइड करेंगे कल कहाँ घूमेंगे। फिलहाल तो देखिए गैंगटॉक एमजी रोड कितना ब्यूटीफुल है देखिए, और यहाँ पे हर जगह पे सब बेंच रखा हुआ है ताकि लोग आराम से यहाँ पे बैठ सके। गाइस, एमजी मार्ग में यहाँ पे सीटिंग एरिया भी है, अगर आप शॉपिंग करके थोड़ा थक गए हैं तो यहाँ पे हर जगह में ब्रेंच दिया हुआ है, आप आराम से बैठ सकते हैं। यू कैन एंजॉय योर वर्क एंड शॉप एंड ईट। और बेस्ट थिंग मुझे लगा, यहाँ पे व्हीकल आर नॉट अलाउड इन दिस रोड, आप सिर्फ पैदल ही आ जा सकते हो, सिर्फ वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ जा सकते। देख सकते हैं ये महात्मा गांधी का जो स्टैचू है। अभी थोड़ा एमजी मार्ग में घूम लेती हूँ और अगर आप लोगों को कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन गाइस अभी काफी देर हो गया है। हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा रूम में फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे एमजी मार्ग में आए और ऑलमोस्ट अभी बंद ही हो गया है। गाइस, अगर मेरा घर अगर एमजी मार्ग में होते हैं, मीन्स गैंगटॉक में होते, तो मैं रोज़ यहाँ पे वॉक करने आती मॉर्निंग एंड इवनिंग, और मेरा जो हेल्थ है ये मैं काफ़ी दुबली हो जाती रियली। ऐसा हर जगह में होना चाहिए, यहाँ पे जो साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, इसलिए मुझे गैंगटॉक काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर प्लास्टिक बोटल्स और ऐसा गंदगी यहाँ पे नहीं फैला जाता है, और अगर स्मोक गुटखा अगर कोई खाते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी भरना पड़ता है, वो काफ़ी अच्छा है। और चाहती हूँ कि बाहर में भी ऐसे ही हो, हम लोग का जो आसाम है वहाँ पे भी ऐसे ही हो, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं तो ये साफ सफाई होना चाहिए। और इसलिए शायद मुझे गैंगटॉक काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस, आप लोग भी ज़रूर यहाँ पे गैंगटॉक में आ सकते हैं क्योंकि गैंगटॉक है ही इतना खूबसूरत, आप लोग ज़रूर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मेरा फिफ्थ टाइम है यहाँ पे, मैंने 5 बार आई हूँ, लेकिन पहले मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती थी। यहाँ पे आई हूँ सिर्फ आप लोग के लिए ब्लॉग्स बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि
पहले हम लोग ऐसे ही फोटो खींच के चले गए थे और कोई कोई मेमोरीज जो है फोटो कुछ कुछ है और कुछ कुछ नहीं है अभी। सो इट्स ओके, अभी फिर से वो मेमोरी ताजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। फ्लावर्स देखे गाइस कितना ब्यूटीफुल है ना। तो गाइस मॉल रोड में हम लोगों को काफी देर हो गया है और अभी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ ठाकुरबाड़ी टेंपल, जो न्यूली बिल्ट टेंपल है, काफी ब्यूटीफुल है। और ये एमजी मार्ग में महात्मा गांधी स्टेचू से थोड़ा आगे में लेफ्ट साइड में आपको ये दिख जाएंगे। तो चलिए आप लोग को वहाँ पे लेके चलते हैं। ठाकुरबाड़ी टेम्पल का ये मेन एंट्री गेट है गाइस, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर देखे नो मार्क्स नो एंट्री। सो गाइस मंदिर में भी आपको मार्क्स लेके आना पड़ेगा इस समय। और ये काफी ब्यूटीफुल आर्ट वर्क किया गया है, देखिए। सो गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे गैंगटॉक सिक्किम में। गैंगटॉक सिक्किम का राजधानी है और यहाँ पे नज़दीक में ही इतनी सुंदर एक इंटरेस्टिंग एक मंदिर है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे आर्ट किया हुआ, आर्ट नहीं एक्चुअली आप देखिए। अगर आप लोग गैंगटॉक आते हो तो इस मंदिर में जरूर आइएगा, आप लोग इस मंदिर में जरूर आ सकते हैं गाइस। मॉल रोड के नज़दीक में ही है, काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर है। अभी फ़िलहाल रात हो गई है इसलिए मंदिर बंद है, सो मैं एंटर नहीं करूँगी, बस बाहर से ही फ़ोटो खींच के और आप लोग के लिए वीडियो बना के मैं जा रही हूँ। गाइस ये जो मंदिर है काफ़ी ब्यूटीफुल एंड यूनिक है, और सबसे इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का 10 अवतार दिखाया गया है, लाइक मत्स्या, कुर्मा, वराह, नरसिंह, ब्रह्मणा, परशुरामा, रामा, कृष्ण, बुद्ध और कल के अवतार दिखाया गया है गाइस, जो काफ़ी यूनिक लगा मुझे। लेकिन अभी मैं रात में आई हूँ तो ठीक से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ गाइस। आप लोग यहाँ पर आइए और ख़ुद देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।